Raj Thackeray, thank you very much. Nice to meet you once again on Frankly Speaking. English Hindi mix, if it is all right with you. तो राज आपसे पहला सवाल ये है कि लगता है कि इस बार आपने काफी कॉम्प्रोमाइज आपने कर ली. कॉम्प्रोमाइज? यू कॉम्प्रोमाइज्ड इन दिस इलेक्शन. क्या? इन अ बिग वे. क्या किया मैंने? यू आर ओनली कंटेस्टिंग 10 सीट्स आउट ऑफ 48 सीट्स इन महाराष्ट्र. दैट्स द फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज. नहीं, मुझे लगता है लास्ट टाइम जब 2009 में इलेक्शन लड़ी थी तब भी मैंने 11 ही सीटें लड़ी थी. बट अ पार्टी इज सपोज टू ग्रो. हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी ना. पहले मुझे रिजल्ट तो देने दो. 48 जगह पे, 48 जगह पे मैं उम्मीदवार खड़े कर सकता था, लेकिन मुझे कुछ जगहों पे फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है. मुझे पहले रिजल्ट दिखाने हैं. रिजल्ट दिखा के मैं आगे जाऊंगा ना. दैट मीन्स यू लैक द कॉन्फिडेंस. आप में कॉन्फिडेंस नहीं है. नहीं, ऐसे नहीं होता ना. ऐसे नहीं होता. आप जब किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, आप शायद न्यूज़पेपर में भी आपने शायद काम किया होगा, मालूम नहीं मुझे जी, लेकिन उसके सारे एडिशन आप इमीडिएटली नहीं निकालते ना, भले आपके पास कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस हो या कुछ भी हो. वैसे पार्टी एक ग्रो होती है, बड़ी होती है, और करते करते आज एक स्टेप ली, कल दूसरी स्टेप ली, परसों तीसरी स्टेप ली, और लोकसभा की इलेक्शंस है. मुझे लगता है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है. उसके हिसाब से मैंने लास्ट टाइम भी 11 सीटें लड़ी थी, इस टाइम भी मैंने 10 सीटें लड़ी. ज्यादा सीटें लड़ने से कुछ नहीं होता, कितनी सीटें चुन के आती हैं उसके ऊपर होता है ना. ग्रोथ तो होती है एक पार्टी की. हाँ, तो होती है ना. पिछले बार आप यू फाइट 11 सीट्स लास्ट टाइम, दिस टाइम यू फाइट 10 सीट्स. तो उससे क्या होता है? पीपल एक्सपेक्ट द फुटप्रिंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. बिल्कुल. टू ग्रो, पीपल एक्सपेक्ट द एम्बिशंस ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर टू ग्रो. दे आर नॉट सपोज टू डी ग्रो. They are not supposed to. नहीं, मुझे लगता है कि यू टर्न की बात नहीं होती. मुझे लगता है कि रिजल्ट के ऊपर सारा निर्भर होता है कि कितने सांसद आपके चुन के आए, कितने विधायक आपके चुन के आए, इसके ऊपर होता है. कितनी सीटें लड़ी, इसके ऊपर कुछ नहीं होता. आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मगर लोग जस्टिफाई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग तो ये कहते हैं कि आप बीजेपी के समर्थन में यू आर फाइटिंग दिस इलेक्शन टू हेल्प द बीजेपी. नहीं बाबा, क्या हेल्प करना है. लास्ट टाइम, लास्ट इलेक्शन तो ये इशू भी नहीं था, तभी मैंने इतनी ही सीटें लड़ी थी. इस बार तो है ना. इस बार होगा तो लोगों के लिए होगा. स्टैटिस्टिक्स पिछले बार और इस बार के बिल्कुल डिफरेंट है बीजेपी को लेकर, कंपेयर्ड टू 2009. नो, वन मिनट. पिछले बार यू फॉट 11 सीट्स. आउट ऑफ द 11 सीट्स, 5 सीट्स वर अगेंस्ट द बीजेपी. यू स्पॉइल्ड द बीजेपी चांसेस. This time, how many people have you fielded against the BJP? Spoil की बात ही नहीं. How many people have you fielded against the BJP? Spoil की बात ही नहीं है इसमें. मेरी एक political party है, मैं election लड़ता हूँ और मैं मेरे हिसाब से election लड़ता हूँ. किसको क्या सोचना है वो उनकी सोच रही. इसको spoil किया, उसको spoil किया, ऐसे थोड़ी होता है. मैं हर वक्त बोलता हूँ, आप लोग जब हमें सवाल पूछते हैं ना कि ये spoil किया, आप सारे मिलके एक पहले चैनल चलाओ. इतने चैनल जो सर्फिंग करते रहते हैं ना हम लोग, उसके बजाय एक चैनल निकालो आप. जो एडवर्टाइजिंग वाले जो होंगे ना, उनको भी ठीक लगेगा, हमको भी ठीक लगेगा. इसका कोई रेलेवेंस? ऑफ कोर्स है, कोई रेलेवेंस? ऑफ कोर्स है. मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार आपने आप एक बताइए, जो व्यूअर्स हैं हमें उनको बताइए कि आपने इस बार सिर्फ बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक कैंडिडेट फील्ड किया है, वो भी पूना से. दो या एक? दो. पिछले बार कितने थे? 5. तो why are you helping the BJP? बीजेपी को हेल्प करने की बात ही नहीं है इसमें. अदरवाइज मैं दो जगह पे भी खड़ा नहीं करता. अगर हेल्प ही करनी है तो मैं पूरी कर लेता. सीक्रेटली हेल्प कर रहे हैं. ऐसे, अंडरस्टैंडिंग ऐसे आपको लगता है क्या होता है? राजनीति के बारे में जब आप लोग देखते हैं तो हर एक आपको सब कुछ लगता है कि सब एक कुछ अंदर से चल रहा है, कुछ किसी कोई बात चल रही है. देखिए, मैं ऐसा आदमी हूं नहीं. मेरी जो भी कोई चीज है तो मैं आपके सामने रख दूंगा, लोगों के सामने रख दूंगा. अगर आपको ऐसी कोई भी चीज लगे कि राज तुमने अंदर से ये चीज की, बताइए मुझे. नहीं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बीजेपी के साथ. ये लोग, आप लोग हैं. ये लोग कौन? सारे लोग हैं, सारे दर्शक. अच्छा, हैं. अच्छा, सारे चैनल से सबको एक ही सवाल है. क्या बात? कि राज ठाकरे का नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ क्या रिलेशनशिप है? कुछ नहीं. नरेंद्र मोदी जी को मैंने सपोर्ट किया, या मैंने उनको, मैंने कहा कि मेरे सांसद चुन के आएंगे तब नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेंगे. अभी नरेंद्र मोदी क्यों कहा? क्या नरेंद्र मोदी ने मांगा आपसे?
मांगने की क्या बात होती है। जब मैंने जब गुजरात में ये कहा था, जब मैं गुजरात के टूर पे था 2011 में, और तब मुझे वहां के गुजरात के प्रेस वालों ने पूछा था, तब मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तब किसी ने कहा नहीं कि यार तुम क्यों बोल रहे हो। उसके बाद आपने लाइन बदल ली थी, आप भूल गए उस बात। क्या लाइन बदल ली आपने? लाइन बदल ली थी क्या? बताइए, आपके हर एक स्टेटमेंट मेरे पास है, हर एक स्टेटमेंट आपका मेरे पास। बताओ क्या लाइन बदली मैंने? तो राज ठाकरे जी, अगर मैं अभी प्रूफ कर लूं कि आपने अपनी लाइन बदली है, तो आप मान लेंगे कि आपने अपना? मुझे मालूम मैंने लाइन बदली नहीं है, मैं प्रूफ करता हूं कि आपने। करो, बताओ मुझे। जी मैं स्टेटमेंट्स पढूं आप? बिल्कुल, फिर मत कहिए कि ये स्टेटमेंट्स मैंने कही नहीं। ऐसा आदमी नहीं हूं मैं। जनवरी के 9 तारीख को आपने कहा, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये मत कहिए कि ट्रांसलेशन गलत है। नहीं नहीं, वो तो आप बात कर रहे हैं। द डे नरेंद्र मोदी वाज नॉमिनेटेड बीजेपीज प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, ही शुड हैव क्विट एज चीफ मिनिस्टर। हां तो द प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ द एंटायर कंट्री एंड नॉट ऑफ अ स्टेट। ये क्रिटिसिज्म नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। आपको लगता है क्रिटिसिज्म? ये क्रिटिसिज्म नहीं है। नहीं, आप बीच में मत बोलिए, मुझे पूरा करने दीजिए। बात यह है कि मैंने कहा कि इस देश के अगर नेता बनना है या देश के प्रधानमंत्री बनना है, तो किसी स्टेट में ना रह के आप पूरे देश के प्रधानमंत्री के दावेदार बनो। जी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये स्टेट के लेबल लेके प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। जी, वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट देश का होना चाहिए। जी, यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मुझे नहीं मालूम कौन से स्टेट से, इंदिरा जी, मुझे नहीं मालूम कौन से स्टेट से, नहीं नहीं, वो चुन के कहां से आते हैं वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो देश के नेता, अटल बिहारी वाजपेयी देश के नेता, ऐसे मैं चाहता हूं कि देश के नेता करके उभर के आए नरेंद्र मोदी जी, किसी गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं दिखता। अच्छा नहीं दिखता, तो क्या उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ा? वो उनकी बात है, मैंने एक सलाह दी थी। आपके सलाह को तो उन्होंने उस पर रिस्पॉन्स भी नहीं, तो ना करें, फिर भी आपने समर्थन दिया। अरे समर्थन की बात उनके काम से है, रेजिग्नेशन से नहीं है। उन्होंने जो गुजरात में काम किया है, जो मैंने खुद जाके देखा है, जो और किसी ने जाके देखा भी नहीं, आपने भी नहीं, उस काम का मैं प्रशंसक हूं, उसके हिसाब से मैंने उनको समर्थन दे दिया। बहुत ही अजीब अरेंजमेंट है राज ठाकरे जी की, कोई एक व्यक्ति को सपोर्ट करे पार्टी को नहीं, अपने व्यक्ति को लेके भी एक दिन कुछ और बात करे, दूसरे दिन कुछ और बात करे, तीसरे दिन कुछ और ऐसे बात मैं, करे। आज तक मैंने कभी किया नहीं है, और ऐसी बात भी मत करना कि मैंने आज एक बताया और दूसरे दिन दूसरा बताया। मेरे पास दूसरा स्टेटमेंट, बताओ दूसरा स्टेटमेंट, फिर मेरे पास अंग्रेजी ट्रांसलेशन, जो भी कुछ है उर्दू भी हो चलेगा। जी, गुजरातीज लिव इन मुंबई बट टेक अवे ऑल दैट दे अर्न टू गुजरात एंड मेक दैट स्टेट प्रॉस्परस, सो व्हाई लिव हियर, गो बैक टू गुजरात। ये कब मैंने कहा था? Addressing a convention of senior citizens in Mumbai in February. ये मेरा statement नहीं है। आप बदलने, आप कह रहे मैंने। ये मेरा statement नहीं है, उसका footage मेरे पास है, मैं आपको footage दिखा सकता हूँ। उसके आगे जाते हुए आपने और एक बात कही। आपने directly इस बार February में, यानी कि मैं समझ रहा हूँ कि January में आपकी relationship थोड़ी खराब है, जो मैं analyze कर रहा हूँ कि January में आपकी relationship थोड़ी खराब थी। किससे? मोदी जी और बीजेपी के साथ। एक मेरा analysis है। फेब्रुअरी में और बिगड़ गई क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट कहा, व्हाई डिड ही नॉट मेंशन बाला साहेब्स नेम इन हिज स्पीच इन मुंबई, दिस इज डिस्पाइट बोथ द पार्टीज बीइंग एलाइज फॉर सो मेनी इयर्स। तो सो व्हाट इज मुंबई फॉर महाराष्ट्रियंस, इफ मुंबई इज अ मैटरनल होम फॉर गुजरातीज, व्हाट इज मुंबई फॉर महाराष्ट्रियंस? बिल्कुल, ही इज जस्ट अननेसेसरली ब्रिंगिंग अप द इशू ऑफ द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। बिल्कुल, सेकेंड टाइम क्रिटिसाइज किया आपने। देखिए बात, आप दो चीजें ऐसे नहीं होता, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? नहीं नहीं, ये करेक्ट है, ये जो कहा ये मैंने कहा है, ये क्रिटिसिज्म की ना आपने? नहीं, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। आप समझ लीजिए, जब आप यहां पे मुंबई में आके जब आप बात करते हो और बात करने के बाद बोलते हो कि गुजरातियों के लिए मुंबई उनका मैका है, तो गुजरात क्या है? ससुराल। जिस चीज के लिए संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन हुआ था, वही चीज वापस निकालने की क्या जरूरत है? बाला साहेब का नाम लिया मोदी ने, उसके बाद मोदी जी ने इसके बाद बाला साहेब का नाम लिया, कुछ लिया, रिस्पॉन्स लिया। आपको लगता है आपके आपके बयान के कारण? अरे मैं थोड़ी चाहता हूं कि मैं जो बोलूं वो कहें या करें,
तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ राज ठाकरे जी, आप एक समझ नहीं रहे हैं कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूँ, मुझे कोई अगर कुछ चीज अगर ठीक नहीं लगे तो उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? जरूर, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो हर एक स्टेटमेंट करें बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन की तौर पर एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के साथ रिलेट करके करें, मगर कोई तो लिंक हो। अब मेरा एनालिसिस ये है कि मेरे पास जो स्टेटमेंट से आपने 9 जनवरी को एक बात कही जो मुझे लगता है क्रिटिसिज्म है। क्या? जो मैंने पढ़ के आपको बताया कि मुझे नहीं करना थे, मुझे नहीं लगता। फरवरी में आपने कही फिर से, देखिए वो भी क्रिटिसिज्म। देखिए मैं तो जरा मुझे ये बताइए राज ठाकरे जी कि 9 मार्च को क्या हो गया? दो चीजें, 9 मार्च को क्या हो गया? दो चीजें, आपने अपनी लाइन बदल के काम का मैं प्रशंसक हूं, इसलिए मैं उनको प्रधानमंत्री के लिए मैं समर्थन दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके हर एक स्टेटमेंट को मैं समर्थन देते जाऊं। अगर उनका स्टेटमेंट कुछ मुझे गलत लगे तो उसके ऊपर बात करना ये मेरा काम है। आपने सारे देश के फ्यूचर को नरेंद्र मोदी के साथ लिंक कर दिया 9 मार्च को। क्या आपने कहा कि देश का जो फ्यूचर है वो नरेंद्र मोदी के साथ लिंक्ड है? आप ही ने तो इंटरव्यू किया था राहुल गांधी का, आपको लगता है क्या वो फ्यूचर है? मैं इस सब बातें पे कोई स्टेटमेंट्स नहीं। क्यों नहीं करेंगे? मैं इंटरव्यू करता हूँ तो कुछ भी करें। कोई मुझे ये कहे कोई मुझे ये कहे कि आपने राज ठाकरे का इंटरव्यू किया, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की फ्यूचर राज ठाकरे में? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बारे में। नहीं, मैं राहुल गांधी के बारे में नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहा हूँ। ऑप्शन क्या आपके पास? जो आदमी आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता वो देश चलाएगा? आज प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? दो, राहुल गांधी या तो नरेंद्र मोदी। क्यों, तीसरा भी हो सकता है, चौथा? कौन है, कौन है? आप समझ रहे दूसरे तीसरे चौथे नहीं है, कहीं हो सकते हैं, मायावती हो सकती है, ममता बनर्जी हो सकती है। अरे मैं हिडन एजेंडा की, जयललिता हो सकती है, मैं हिडन एजेंडा की बात नहीं कर रहा हूं। आज ओपनली कौन है? शरद पवार भी होना चाहते हैं। होर्डिंग पे कौन है कांग्रेस से और बीजेपी से? होर्डिंग पे कौन है? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। ये होर्डिंग किसने बनाई? तो आपने बनाई हुई है होर्डिंग है ये, किसने कंपैरिजन किया? आपने बनाई हुई है कंपैरिजन? मैंने जी, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? जी, उन पार्टियों ने लगाई हुई होर्डिंग जिसको आप बोल रहे हैं मैंने लगाई। एक होर्डिंग में तो दोनों लोगों की छवि जो आपने डाली हुई है। मैंने, आपने कहा कि देश के ओनली टू ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। आपको क्या दिख रहा है फिर? कांग्रेस के होर्डिंग पे राहुल गांधी है और बीजेपी के होर्डिंग पे नरेंद्र मोदी है। मैं तो वही देखूंगा ना। आप बोलेंगे नहीं नहीं उसके पीछे भी और कुछ लोग हैं, तो क्या होर्डिंग के पीछे है?